भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही सदन में पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कांग्रेस के सांसदों की मांग थी कि सभापति वेंकैया नायडू राज्यसभा की कार्यवाही रोककर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होने से नाराज कांग्रेस सांसदों ने चार बार सदन को स्थगित कराया। बंगाल इलेक्शन में अब दिल्ली के बतला हाउस एनकाउंटर की गूंज सुनाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस और टीएमसी से सवाल किया। उन्होंने पूछा बतला हाउस एनकाउंटर को क्यों कहा था फर्जी। रवि शंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, जबकि बतला हाउस में आतंकी छिपे थे और हमले के मास्टर माइंड आरिस खान को कोर्ट ने दोषी माना था। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सियासी संग्राम की आज औपचारिक शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम पहुंच रही हैं। इस सीट से ममता बनर्जी कल पर्चा दायर करने वाली हैं। उससे पहले आज वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए खुद नंदीग्राम पहुंच रही हैं। उधर ममता के नंदीग्राम पहुंचने से पहले आज बीजेपी में शक्ति प्रदर्शन में जुट गई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी जहां पहुंचेंगे उस रास्ते पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के झंडे और बैनर लगा दिए गए हैं। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर 12 मार्च को पर्चा दायर करने वाले हैं। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तारी के डर से फरार आयुष ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है। उसका कहना है कि उसे मारने के लिए पत्नी और उसके परिवार वालों ने पूरी साजिश रची थी और जब इसमें नाकाम हो गए तो उस पर आरोप मर दिया। आयुष के बड़े भाई ने भी वीडियो जारी कर अपने छोटे भाई को निर्दोष बताते हुए इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आयुष पर गोली चली थी। आयुष के साले ने पुलिस के सामने दिए बयान में कहा था कि आयुष ने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन अभियान के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उदाहरण के साथ बताया कि कैसे नए इलाकों में कोरोना संक्रमण के नए पॉकेट्स बन रहे हैं। हरियाणा के गुड़गांव फरीदाबाद में पहले ज्यादा मामले मिले थे, अब करनाल और पंचकुला से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में पहले धारावी में ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन अब अमरावती में ज्यादा मामले आ रहे हैं। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कुछ प्राथमिकताएं और सुझाव जारी किए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।